जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। इस चैप्टर से जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन को हल देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये वीडियो ख़त्म होते ही राइट साइड में आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और लेफ्ट साइड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का जितना भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का वीडियो है वो सारा प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, और ये लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके प्लेलिस्ट से डायरेक्ट पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो, और राइट साइड में इसका नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी तो कितनी थी? 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 करोड़ से अधिक था। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? 8 करोड़ से अधिक था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है कितना है? 30%, 28%, 28.63%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28.63% थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण आबादी है तो कितना है? 79.5%, 89.5%, 99.5%, या फिर 0%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89.5% है बिहार में ग्रामीण आबादी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो कितने व्यक्ति रहते हैं? 772 व्यक्ति, 881 व्यक्ति, 981 व्यक्ति, या फिर 781 व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 881 व्यक्ति रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? तो सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? भागलपुर है, पटना है, नालंदा है, या फिर मुंगेर है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है पटना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, या फिर आधुनिक समय में। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा मध्य युग में हुआ था। मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था तो कौन था? पटना था, मुंगेर था, टाटा नगर था, या फिर गया था। तो टाटा नगर जो है ये एक नियोजित नगर है। नियोजित मतलब इसे मतलब योजना के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। योजना के द्वारा इस नगर को बनाया गया था, नियोजित। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है कितना है? 20.5%, 15.5%, 10.5%, 25.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5% है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना नगर है, गया नगर है, भागलपुर है, या फिर दरभंगा है। तो इनमें से जो है पटना नगर सबसे बड़ा नगर है बिहार का। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट चैप्टर वाला वीडियो यहाँ पर आ रहा होगा, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो।